ग्रीन आर्मी पर ब्लू ब्रिगेड के 3 लड़ाके ही पड़ेंगे भारी, चल गए तो बाबर की सेना समझो हारी। मैच का रुख मोड़ने का रखते हैं काबिलियत, विरोधियों को दिखा देते हैं उनकी असलियत, मुंह से छीन लेते हैं हारी बाजी। गजब है इनका अंदाज, मैदान में चलता है इनका राज। कहते हैं ना, दुनिया उसी के कदमों में झुकती है जो पहचान छोड़ जाता है, वो जिस भी जगह से गुजरे निशान छोड़ जाता है। जी हाँ, यही निशान पाकिस्तानी टीम पर टीम इंडिया के लड़ाकों ने छोड़ा, और इस वक्त T20 वर्ल्ड कप का खुमार भी चढ़ चुका है, धमाकेदार आगाज भी हो चुका है। लेकिन असली रंग तो 9 जून को चढ़ने वाला है, जब एक बार फिर से काफी अरसे बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा। फिर वही पुराने जख्म जो बाबर की सेना पर लगे वो हारे होंगे, फिर वही जुनून देखने को मिलेगा, फिर उसी रोमांच में भारत पाक के फैंस खो जाएंगे, फिर से दुनिया महामुकाबले की गवाह बनेगी, जब T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच महारण होगा। लेकिन अगर इस मुकाबले में टीम इंडिया के सिर्फ 3 ही लड़ाके चल गए तो समझो बाबर की सेना की बत्ती गुल। वैसे भी इससे पहले भी ये 3 इंडियन प्लेयर्स ने पाक टीम को कई जख्म दिए, इस बार उसी पुराने जख्म को कोरेदने की बारी है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही 3 इंडियन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर चल गए तो पाकिस्तान के हलक से मैच छीन ले जाएंगे। पहला नंबर है विराट कोहली का। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी और क्रिकेट के किंग विराट कोहली का परफॉर्मेंस हमेशा से ही शानदार रहा। विराट ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर भारत को मैच जितवाए। पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2013 का एशिया कप, सभी में कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ किंग कोहली ने 10 मैच की 10 पारियों में 124 के स्ट्राइक रेट से 488 रन बनाए। इस मैदान उनका एवरेज 81.33 का रहा। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार नॉट आउट भी रहे, जबकि 550 भी उनके नाम है। अब इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में कोहली से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। नंबर 2, जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के स्टार फास्ट बोलर जसप्रीत बुमराह का शुमार दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में होता है। बुमराह के प्रदर्शन पर भी सभी की नजरें रहेंगी। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह इस समय अपनी जबरदस्त फॉर्म में है, उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। हाल ही में खत्म हुई IPL में उन्होंने 13 मैच खेले और 6 की कंजूसी वाली इकोनॉमी से 20 विकेट लिए। आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बुमराह इस समय अपनी जबरदस्त फॉर्म में है। वहीं अगर पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा मुकाबले नहीं खेले, लेकिन सबको पता है कि बुमराह पाक बल्लेबाजों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैच खेले और सिर्फ 2 विकेट लिए। इस दौरान उनका औसत 31 का रहा, हालांकि इकोनॉमी 6.20 की रही। नंबर 3, हार्दिक पांड्या। भले ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का जलवा IPL में देखने को नहीं मिला, लेकिन वार्म अप मैच में उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या करने की काबिलियत रखते हैं। वैसे भी पांड्या को बड़े मैच का प्लेयर माना जाता है। बड़े मंच पर हार्दिक पांड्या के कई शानदार परफॉर्मेंस दिए। जहां तक पाकिस्तानी टीम का सवाल है तो यहां भी पांड्या का दबदबा बतौर ऑलराउंडर जरूर रहा है। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 T20 मुकाबले में बैटिंग करते हुए 21 की औसत और 128 के स्ट्राइक रेट से कुल 84 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 40 रन रहा है। वहीं बॉलिंग में हार्दिक पांड्या ने 6 मुकाबले में 12 के औसत से 11 विकेट अपने नाम किए। आंकड़ों से साफ है कि जब भी हार्दिक का पाकिस्तानी टीम से सामना हुआ तो वो बैट और बॉल दोनों ही से ग्रीन आर्मी पर भारी पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर टीम इंडिया के 3 लड़ाके इस बार भी 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ चल गए तो बाबर की सेना को बिखेर कर रख देंगे और बड़ी बड़ी बातें करने वाली पाक टीम के मुंह पर एक बार फिर से ताला लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।